इस लेक्चर में बेसिकली क्या है, कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, आज हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको क्रिएट कैसे करते हैं। हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पहले पढ़ने से पहले हमने कल लास्ट में जाते जाते आपको बताया था कि कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर में क्या होता है, पहला ये था टाइप ऑफ मटेरियल्स, टाइप ऑफ मटेरियल्स की बात कर रहे थे हम, उसमें हमने बताया था कंडक्टर और इंसुलेटर्स। पहला था कंडक्टर, कंडक्टर, दूसरा था इंसुलेटर। कंडक्टर बेसिकली क्या है, जो कंडक्ट करते हैं चार्ज को। अगर आप चार्ज एक कॉर्नर पे रख दो किसी कंडक्टर, मान लो ये कोई बॉडी है, ये कंडक्टर है, अगर यहाँ पे आपने मान लो पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो ये सारा का सारा चार्ज पूरे सरफेस पे फैल जाएगा इसकी, तो हम उसको क्या कहेंगे, कंडक्टर। अगर वो सरफेस पे ना फैल के वो वहीं पे रहता है, मान लो आपने यहाँ पे चार्ज दिया, ये कंडक्टर हो गया, कंडक्टर हो गया, और ये हो गया आपका इंसुलेटर। अगर वो चार्ज आपने दिया और वो वहीं पे रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर। अब यहाँ पे दो कैटेगरी बना दी हमने, कंडक्टर और इंसुलेटर। अब हमें एक चीज पता है, अगर हमने इसके इस कॉर्नर पे चार्ज दिया तो वो इस कॉर्नर पे नहीं जाएगा, लेकिन कंडक्टर के केस में वो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे मटेरियल लेंगे अगर एक कॉर्नर से चार्ज दे दें तो दूसरे कॉर्नर पे चला जाए, जैसा कि हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में पिछली बार हमने बताया था कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के केस में भी क्या होता है कि चार्ज हम एक कॉर्नर से देते हैं और नीचे गोल्ड लीफ पे चला जाता है, और वहां से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना उसके ऊपर चार्ज है। बेसिकली अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज को देंगे किसी मटेरियल पे और देखेंगे कि उस पर कितना चार्ज आता है, या फिर इंड्यूस करेंगे। अगला हमारा मेथड है यूजिंग द कंडक्टर। कंडक्टर से क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज जा सकता है, तो यूजिंग द कंडक्टर वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बेसिकली क्या है इस टॉपिक में, क्या है कि हमें एक रोड के ऊपर चार्ज लेना है, उस रोड को दूसरे कंडक्टर के पास लेके जाना है, और उस कंडक्टर के अंदर विदाउट टच किए, इस रोड को इसके साथ टच न करके हमें क्या करना है, चार्ज क्रिएट करना है। लेट अस कंसीडर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या प्रोसेस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रोसेस है कि एक चार्ज के द्वारा विदाउट टचिंग दूसरे कंडक्टर को विदाउट टचिंग क्या करना, वहां पे चार्ज क्रिएट करना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है। मान लो कोई रोड है, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और ये दो कंडक्टर हैं, ये इंसुलेटेड मीडियम से दो कंडक्टर हैं, ये एक दूसरे से टच नहीं है। अगर मान लें कि ये एक दूसरे से अगर टच नहीं है, अगर मान लो हम इनको टच कर लेते हैं, अब मान लेते हैं कि दोनों के दोनों कंडक्टर एक दूसरे से टच हैं, अब ये दोनों के दोनों कंडक्टर टच कर दिए, अब ये क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस एक जो ए कंडक्टर है और ये बी, ये नीचे क्या है, इंसुलेटेड स्टैंड। इसका क्या काम है कि यहाँ पे जो चार्ज होगा वो अर्थ में फ्लो नहीं करेगा, जिसकी वजह से अर्थ में फ्लो ना करने की वजह से इसके ऊपर ही चार्ज रहेगा। तो बेसिकली हम जब कोई पॉजिटिव साइड रोड मान लो इसके अब पास में लेके आते हैं, ये हमारी पॉजिटिव चार्ज था इस रोड के ऊपर, कोई चार्ज लेके आते हैं तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज। अब क्या आपको पता है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज रोड इसके पास आएगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करके इस कॉर्नर पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज इस कॉर्नर पे आ जाएगा, और ये इसमें जो इस पे इस कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, इस कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कॉर्नर पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन क्या है कि ये कंडक्टर अभी हम इसको अगर कॉन्टैक्ट में मान रखे हैं, अगर हम इसको कॉन्टैक्ट में ना माने, मान लेते हैं ये यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक इंसुलेटेड स्टैंड और लगा के ये हमने लगा रखा है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को, तो इस साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस साइड क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यही होगा। इस केस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव,
क्लियर है। अब क्या है, हम इसको यहीं पे रखते हैं रोड को, हम दूसरे प्रोसेस में क्या करते हैं, अब इन दोनों को टच करवा देते हैं। जैसे ही ये दोनों कंडक्टर यहाँ पे, ये रोड भी लगी हुई है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही हम इन दोनों कंडक्टर को टच करवाते हैं, जो इसके ऊपर यहाँ पे गलत कर दिया नेगेटिव आएगा, यहाँ पे कट कराना पूरा। अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बेसिकली इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस्ड करना, इंड्यूस्ड करना, क्रिएट करना, कि किसी भी मान लो कोई भी एटम मेटल है, कंडक्टर है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होती है, उतने ही प्रोटोन होते हैं उसमें, उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, बट इन केस वी वांट्स टू कैलकुलेट द इंडक्टिव चार्ज, कि हम इंडक्शन करना चाहते हैं उसके ऊपर। अब क्या है, हमने पहले ही बताया कि जो कंडक्टर है और इंसुलेटर है, कंडक्टर में चार्ज फॉलो कर सकता है 1 point to another point, but इंसुलेटर में नहीं, तो हम कंडक्टर लेंगे ताकि हमारा चार्ज भी फ्लो हो जाए। हम मान लो दो कंडक्टर लेते हैं सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, हमने दो कंडक्टर लिए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मीनिंग क्या है, हमें एक्चुअल में इनको टच नहीं करना, तो विदाउट टचिंग इनके ऊपर हमें चार्ज क्रिएट करना। अब ये कोई रोड है, ये एक्चुअल में इसके ऊपर टच नहीं हुआ, इसके ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज की रोड है, इसके पास लेके आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज, तो क्या है, इस रोड के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। अब क्या है, इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके पास में आ जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो अपोजिट फेस पे सारे पे क्या चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली इसकी वजह से इसके अंदर इंडक्शन होगी, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इस कॉर्नर पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये उस कॉर्नर पे क्या कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऐसे इंडक्शन हो जाएगी चार्ज की। तो जैसे ही आप देखोगे एक कॉर्नर पे पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव, लेकिन जैसे ही अगर आप इस आपकी जो भी रोड है इसको अगर हटा दोगे, दोबारा से दोनों क्या आ जाएंगे, न्यूट्रल स्टेट में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगा हुआ है वो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अब क्या है, अब हमें इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस्ड करना है विदाउट टचिंग, इसको टच भी नहीं करवाना, लेकिन इसके ऊपर चार्ज करना, अगर टच करवा दे तो कंडक्टर है या अपने आप इसके ऊपर चार्ज आ जाता, लेकिन अब हमें टच भी नहीं करवाना, तो क्या मेथड हो सकता है कि हम इसको टच भी ना कराएं और इसके ऊपर चार्ज भी ले आए। अब क्या है कि हम इन दोनों को टच करवा देते हैं, अब ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये इतनी दूर थे, तो हमने क्या किया, अब इन दोनों को टच करवा दिया, ये दोनों टच कर जाएंगे। अब क्या है, इस ये दोनों टच है तो इसका चार्ज फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव है, बट यहाँ वाला चार्ज जो नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा, तो ये वाला फेस क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इनके ऊपर इस साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव रोड लगाई रखी, ठीक है, क्योंकि चार्ज फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही एक दूसरे के साथ ही टच में आएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लिया जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और यहाँ पे नेगेटिव रह जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव रह जाएगा। अब उसके फर्दर हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को अब दोबारा से सेपरेट कर दें, अब हम इन दोनों को दोबारा से सेपरेट कर दें, इसके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और इस दूसरी के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अब टच कर हटा दिया हमने, अब ये टच नहीं है, इसके ऊपर नेगेटिव नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव है, और ये हमारी रोड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की भी लगी हुई है, तो हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक्चुअल में टच नहीं हुआ। अब क्या है, अगर हम इस रोड को हटा भी दें यहाँ से, अगर हम इस रोड को हटा देते हैं, हटा दिया हमने रोड, इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके पॉजिटिव, और डिस्ट्रीब्यूशन होने की स्टार्ट करेगा, लेकिन वो चार्ज ऐसा तो नहीं है इसमें चला जाएगा, नहीं, तो ये दोनों के रोड में दोबारा से जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा फर्स्ट वन के ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा सेकंड वन के ऊपर, तो दोनों पे क्या रहेगा, एक पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो स्टैटिक चार्ज था उसके अंदर इंडक्शन कर पाए, उसके अंदर हम चार्ज क्रिएट कर पाए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। अब हमने दो चार्ज क्रिएट कर दिए, अगर हम सिंपली
एक रोड की हेल्प से अगर उसमें अकेले, अगर ये तो दो हमें चाहिएंगे दो कंडक्टर, अगर सिंपल वन कंडक्टर की हेल्प से हम किसी को इंडिविजुअल चार्ज उतना ही चार्ज क्रिएट करना चाहिए किसी रोड पे, हमें जितनी अमाउंट हमें चाहिए उतना क्रिएट करना चाहते हैं, इस मेथड के बाद हम उसका भी यूज कर सकते हैं। सेकंड मेथड है, अगर सिंगल हमारे पास एक सिंगल कंडक्टर है, ये हमारे पास सिंगल कंडक्टर है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके पास हम कोई नेगेटिव चार्ज रोड लेके आते हैं, इसके ऊपर था नेगेटिव चार्ज, हम नेगेटिव चार्ज रोड इसके पास लेके आते हैं, तो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट द पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया और इस साइड में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्लियरली ऐसा आ जाएगा। अब क्या है, ये रोड यहीं पे है तो इसके बीच में फोर्स तो लगा रहेगा। अब क्या करते हैं, अगर हम इस साइड को अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग अर्थिंग करने से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अर्थ में फ्लो कर जाएगा, और जिसकी वजह से अब इस जो ये जो हमारे पास ये कंडक्टर है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, इसके अंदर सिर्फ इस साइड पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, और यहाँ पे ये रोड जो नेगेटिव चार्ज की हमने लगा रखी है ये एक्चुअल में टच नहीं है, क्योंकि वो सारा सारा नेगेटिव चार्ज अब हट गया, वहां पे चला गया ग्राउंड। अब क्या है, जब ये अगर इस रोड को अब हम हटाना चाहेंगे, ग्राउंडिंग भी हम हटा देंगे, अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब जगह पे, तो पॉजिटिव चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया इसमें, तो हम ऐसे नेगेटिव चार्ज का यूज करके पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पीछे वाले कंसेप्ट में क्या था कि अगर हम कोई चार्ज क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वहां पे दिक्कत ये थी कि एक पे पॉजिटिव आ रहा था एक पे नेगेटिव आ रहा था, तो हमें पता नहीं चल रहा था कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, लेकिन अब हम डेफिनेटली पता चलेगा कि अगर हम नेगेटिव चार्ज की लोड लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, और पॉजिटिव चार्ज की लोड लेंगे तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, यही है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हेल्प से आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अब हमने सीख लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो चार्ज है वो उसको इंडक्शन के द्वारा हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। अब जो ये चार्ज है इसकी प्रॉपर्टी जानेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जो प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की वो हमें देखनी है कि प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। फर्स्ट वन इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्या है क्वांटाइजेशन का चार्ज का मीनिंग क्या, क्वांटाइज एक क्वांटाइज्ड अमाउंट के अंदर, एक पैकेट के अंदर, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज हमेशा पैकेट के अंदर रहता है, इसका मतलब कि जो चार्ज है द चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज, और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज क्या होती है, चार्ज होना इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है उसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज कहते हैं, और चार्ज क्या उसकी वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10 इज टू पावर -19 कूलम। इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है आपका किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज आता है, अगर मान लो किसी के ऊपर चार्ज है कुछ भी है, मान लो 5 कुछ भी चार्ज है, अगर वो चार्ज आएगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल आएगा, कहने का मतलब n इंटू e, वो जो टोटल चार्ज आएगा वो ऑलवेज आएगा प्लस माइनस क्यू एन ई। अगर वो नेगेटिव है तो चार्ज वो प्रोटॉन पे है और इलेक्ट्रॉन पे है, अगर पॉजिटिव है तो प्रोटॉन पे है, तो यहाँ पे अगर जो पॉजिटिव अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के अंदर और उसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज आया तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 इज टू पावर -19 और इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव तो 4.8 इंटू 10 इज टू पावर -19 कूलम, ये चार्ज आएगा। तो चार्ज इज द क्वांटाइज, चार्ज क्या है क्वांटाइज। अब दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। हमें क्या पता है, हमें पता है
कि चार्ज किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर बहुत सारे चार्जेज हैं, अगर हमें टोटल चार्ज उस सिस्टम का, मान लो इस सिस्टम के ऊपर यहाँ पे प्लस क्यू चार्जेज हैं, यहाँ पे माइनस क्यू चार्जेज हैं, यहाँ पे -2q चार्ज है, यहाँ पे +q चार्ज है, अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो हम एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगाएंगे। एडिटिविटी का मतलब उनको ऐड कर देंगे, सिंपली जनरल अलजेब्रा रूल लगा के सिंपली ऐड कर देंगे। तो टोटल चार्ज इसके ऊपर क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज जो आ जाएगा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q -2q +q। तो यहां से क्यू कैंसिल, तो -q, जो टोटल चार्ज आएगा इसके ऊपर -q चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, ये था सेकंड प्रॉपर्टी कि आप एडिटिविटी कर सकते हो। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टीज है इसकी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी जो चार्ज की है वो है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन क्या कहता है कि चार्ज ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, और कह सकते हो कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर आपका चार्ज मान लो प्लस माइनस क्यू है सिस्टम के ऊपर, चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अब मान लो एक एटम के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 प्रोटॉन हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, इसके ऊपर भी मान लो 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसके ऊपर 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसके ऊपर 2e चार्ज आ गए। ठीक है, एक्स्ट्रा 2e चार्ज आ गया, तो इस तरह से इसके ऊपर 2e पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो दोनों का अगर टोटल चार्ज निकाला जाए, अब भी टोटल चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इट मीन्स किसी भी सिस्टम के अंदर चार्ज क्या है, क्वांटाइज होता है, और साथ साथ में उसके साथ कंजर्व भी होता है। तो कंजर्व में क्या है कि कंजर्व जो चार्ज होगा वो इतना, अगर टोटल सिस्टम का चार्ज ऐड किया जाए तो वो ऐड करने के बाद हमेशा क्या आएगा, 0 रहेगा। इट मीन्स चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, बट जो चार्ज है वो ऐसा नहीं है कि किसी चार्ज की एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर किया तो उसको ब्रेक कर सकते हैं, उसको ऐसे कर सकते हैं, नहीं। टोटल चार्ज जो सिस्टम का रहेगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। दी जाता 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। फर्स्ट वन इज द क्वांटाइजेशन, हमने की फर्स्ट क्वांटाइजेशन की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरी हमने एडिटिविटी की, एडिटिविटी। और थर्ड वन जो हमने की है वो कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी को देखो, ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको कोई कहता है क्या कि किसी एटम के पास, सिंपली अगर कोई कहता है किसी एटम के पास 2.3 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज हो सकता है या नहीं, अगर हम इसको देखें क्या ये, इसको डिवाइड करो 1.6 × 10⁻¹⁹ ये ऐसे, तो इसका जो नंबर आएगा वो क्या नहीं आ रहा, एन नहीं आ रहा, कहने का मतलब इंटीजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये चार्ज नहीं हो सकता किसी भी एटम के ऊपर। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम से लेस नहीं हो सकता, इससे लेस नहीं हो सकता। दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें हमने सीखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और दूसरा हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर में हमने ये चीजें सीखी हैं। आगे हम करेंगे कि इस चार्ज की वजह से अराउंड जो फील्ड होता है उसमें क्या होता है, तो हम कल पढ़ेंगे कूलम्स लॉ।